जिनसे मेरी शादी हुई है वो बरेली के रहने वाले हैं, इज्जत नगर प्रतापपुर चौधरी के रहने वाले हैं। उनका नाम अरशद खान है और उनसे मेरा अफेयर 5 साल से चल रहा था। 5 साल से वो मेरे साथ फिजिकल कर रहे थे, मेरे 2 अबॉर्शन भी करवाए उन्होंने ज़बरदस्ती कि मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए। और 5 साल से वो हमसे हर महीने पैसे ले रहे हैं, खर्चा ले रहे हैं, और वो हमसे झूठे वादे कर रहे थे कि हम शादी करेंगे। जब हमारे घर वालों का प्रेशर हम पे पड़ा तो हमने उनसे शादी के लिए फ़ोर्स करना शुरू किया। जब हमने शादी के लिए फ़ोर्स करना शुरू किया तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा क्योंकि तेरे पास है क्या, तो कुछ नहीं है। और मतलब बहुत गालियाँ दी, रंडी वंडी जो भी उनके मुँह में आया वो उन्होंने कहा, उल्टा सीधा बोला और बोल के फ़ोन काट दिया, बोले कि मैं तुझसे नहीं करूँगा। फिर उसके बाद में जब मैं घर गई उनके वहाँ, सबा सर से मिली, बाकी वहाँ के गांव के भी और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने जब उनसे हमने पूरी बात कही कि मेरे साथ 5 साल से ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे रह रहे थे, ऐसा इतना इतना पैसा खर्चा हुआ, जब हमने उनसे पूरी बात कही तो वहाँ के लोगों ने अरशद पर दबाव डाला और निकाह करवा दिया। निकाह होने के बाद में अरशद के घर वाले, जिसमें इनकी अम्मी हैं शबनम और इनकी बहन है सोनी, इनका भाई फैज़ान, इनके मामा शुएब और इनके मामा हनीफ और एक इनके मामा हैं उनका मैं नाम नहीं पता, इन सब लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया। हम जब 10 तारीख को गए थे तो इन लोगों ने हमें बहुत, इनके मामा ने, उनकी अम्मी, बहन भाई ने, इनके सब ने उनको मारा, बेटा भगा दिया, बोले कि तू यहाँ क्या करने आई है, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, तू कुछ नहीं है। फिर हम दोबारा जब 21 तारीख को गए, अरशद अपने घर वालों के सामने बोले कि ठीक है चली जाओ, जब ये लोग मार पीट रहे हैं हम खुद आएंगे मिलने, इन्हें नहीं ये कह के हमको वहाँ से वापस कर दिया। जब हम यहाँ आए तो हमसे बोल रहे हैं कि देखो तुमको हम लोग रखेंगे नहीं, तुम इस बात को क्यों समझ नहीं रही हो, और अगर तुम्हें रहना ही है तो 5 लाख रुपये और 4 व्हीलर अगर ला सकती हो तो ले कर चली आओ। यही सारी बातें ये हमसे कर रहे थे और बहुत लड़ झगड़ रहे थे। फिर उसके बाद में इन्होंने मेरा फिर से फ़ोन उठाना बंद कर दिया और मेरे ही खिलाफ़ इन्होंने मुकदमा करने की कोशिश की या कर दिया ये हमें नहीं पता, बट ये हमसे कह रहे थे कि तुमको हम बदचलन साबित कर देंगे, तुमको कैरेक्टरलेस हम साबित कर देंगे। हमें नहीं पता कि ये किस बिना पे ये हमसे ये बात कह रहे थे। फिर उसके बाद में जब फ़ोन उठना बंद हुआ तो हम फिर 21 को गए और इनके घर वालों को फ़ोन किया, इनके घर वाले घर से भाग गए थे। फिर हम गए, हमने एप्लीकेशन लिखवाई और एप्लीकेशन लिखवा के जब हमने थाने में सब कहीं दी अपनी पूरी बात लिख के, और जो 10 तारीख को मेरे साथ घटना घटी थी वो भी हमने एप्लीकेशन में लिखवा दी थी। लिखवाने के बाद में थाने पे जब हम गए देने तो थाने के वे लोग जो थे उन्होंने हमसे कहा कि करती खुद हैं और पहले तो गलती करके बैठ जाती हैं, उसके बाद में परेशान हम लोगों को करने आती हैं, जाओ, जब किया था तब नहीं सोचा था। तो हमने उनसे बहुत, मतलब हम रोए हुए उनसे, हमने कहा कि सर प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, तो बोले ठीक है जाओ, जब 112 नंबर को फ़ोन करके बुलाओगे तो वो आएगी मदद करेगी। हम गए, हमने 112 नंबर को फ़ोन करके बुलाया, 112 नंबर आई और उन्होंने फ़ोन पे इन लोगों से बात की, ये लोग